बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही ज़बरदस्त। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें चलाने का ऐलान कर दिया आज। और पाकिस्तान के किस किस शहरों से अब एमिरेट्स एयरलाइन आपको लेके यूएई दुबई में जाएगी वो आपको सारा बताता हूँ। और उसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए जो यूएई जाना चाहते हैं। सबसे पहले एमिरेट्स एयरलाइन का बताता हूँ। एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया है कि जो लोग भी एमिरेट्स एयरलाइन में दुबई जाना चाहते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आप यहाँ के शहरों में आप लोग यानी कि यहाँ पे अब जो है वो एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन आएगी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है। और ये इन शहरों से फिर आपको लेके जाएगी। उसके अलावा आपको बताते चलें कि मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्लॉग का चैनल है, ठीक है, उस चैनल को क्लिक करना है और उस चैनल में जाके उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ, बहुत बड़ी एक और बड़ी खुशखबरी है, वो क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी वो ये है कि अब एयरपोर्ट में ही आप अपना रैपिड टेस्ट करवा सकेंगे, क्योंकि रैपिड टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट में सहूलत मौजूद नहीं थी। अब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में भी PCR रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, और फिर कराची में भी, और सियालकोट में भी, और पिशावर में भी, अनकरीब बाकी जो एयरपोर्ट रह गए वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। बाकी आप एयरपोर्ट वालों से ख़ुद भी पता कर लीजिएगा जहाँ पे आपको नहीं पता चला कि है या नहीं, तो इंशाल्लाह आप अब जा सकेंगे। 5 नहीं 7 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में पहुँचना है, और फिर आपने अपना रैपिड टेस्ट 4 घंटे से पुराना ना हो, फिर आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे। एक आपने टेस्ट बाइड करवाना है जो 48 घंटे से पुराना ना हो। PCR का टेस्ट करवाएंगे वो 48 घंटे से पुराना ना हो। एक बाहर होगा, एक एयरपोर्ट के अंदर होगा रैपिड टेस्ट। तो बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी, दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया मेरे एक चैनल है, उस चैनल को क्लिक करें, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।